गौगो की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आप कैसे अपने फार्म पे अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं, जिसमें पहले भाग में हमने डिस्कस किया था आपको एक अच्छे सीमन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद माँ का पोषण अच्छा होना चाहिए और फिर बच्चे के पैदा होने और उसके अगले 3 महीने तक उसका पोषण अच्छा होना चाहिए। दूसरे भाग में दोस्तों हमने डिस्कस किया था खीस की कुछ उपयोगिता के बारे में और आज हम फिर से खीस की कुछ और उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। एक बच्चिया जब पैदा होती है तो उसकी अपनी कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। वह बच्चिया अपनी माँ के पेट में जब होती है तो एक अंदर अलग तापमान पर वो अपने आप को ढालती है, पर जब वो पैदा होकर बाहर आती है तो तापमान कुछ और होता है, तो उसको उस नए तापमान और नए एनवायरमेंट में ढलने के लिए जो उसको पोषण और उसकी देखभाल करनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। यह खीस ही होती है जो कि पहले 4 घंटों में अगर दी जाए तो वह बच्चिया जिसके पास अपनी कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी उसको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जिससे कि वह रोगों से मुक्त रह सकती है। 4 घंटे के अंदर दिया गया खीस ग्लाइकोजन और फैट की कमी को दूर करता है, जो कि एक नवजात बच्चिया के अंदर नहीं होता है। यह फैट और ग्लाइकोजन ही बच्चिया को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगर खीस पहले 4 घंटों के अंदर नहीं दिया जाता तो रिसर्चेस यह मानती है कि 30 दिनों के अंदर उस बच्चिया को रेस्पिरेशन यानी श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जिसमें कि 25-30% बच्चियां मर भी सकती हैं। खीस में लैक्टोफेरिन भी पाया जाता है जो कि बच्चिया को कई प्रकार के बैक्टीरियाज, फंगस, प्रोटोजोआ और डायरिया से लड़ने में मदद करता है। खीस में कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एक बच्चिया के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं, जिससे कि नेगेटिव बैक्टीरिया को पनपने में मदद नहीं मिलती। तो इस प्रकार पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है नेगेटिव बैक्टीरिया को आने में एक दीवार की भांति काम करता है। एक बच्चिया से ज्यादा दूध उत्पादन तभी हो सकता है जबकि उस बच्चिया की अच्छे तरीके से देखभाल की गई हो, और एक अच्छे बच्चिया की अच्छी देखभाल तभी होती है जबकि उसके शुरुआती दिनों में उसको अच्छा पोषण दिया गया हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ और नई जानकारी खीस के बारे में और खीस की क्या उपयोगिता है, किस तरह आप अपनी गाय की बच्चिया को शुरुआती 4 घंटों में खीस पिलाकर उसे बहुत से रोगों से मुक्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो आगे जाकर एक अच्छी दुधारू गाय बने। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। आपसे विनती है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।